मैं सोचता हूँ मैम ने आपसे ऐसा क्यों करता हूँ अपने बालों के साथ, लेकिन फिर मैं सोच करेंगे बर्बादी की हद तक करेंगे। जी क्या चल, राम राम सबको, वेलकम बैक टू माय चैनल डीम दैट इज लाइफ। और मेरे नए व्लॉग है, आज मैं बाल कटवाने जा रहा हूँ और मुझे कुछ भी हटवाऊंगा। मेरा दोस्त आ रहा है, प्रियांश नाम है उसका, उसको वैसे लोग लाला भी कहते हैं, क्वाइट अ करेक्टर। तो आज तो मैं उससे मिलाता हूँ, मेरे पहले ब्लॉग में फीचर हुआ था वो, एंड इट टर्न्स आउट कि वो काफ़ी पनौती था, उसके बाद में उसको लाया नहीं था क्योंकि वो सबसे घटिया ब्लॉग था मेरा। बाकी आज बारिश बहुत हुई है, गड्ढे हैं, वो एक जगह पता नहीं कहाँ गड्ढे में अपनी कार फंसा के बैठा हुआ है अभी, तो वो थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है, उसके बाद वो आएगा। चलो फिर उसको आते हैं, देखते हैं मतलब कितनी देर में आता है। बाकी मैं बाल बाल कटवाऊँगा यार, काफ़ी टाइम हो गया, घोसला बन गया है अब। चलो भाई, क्या दिक्कत है तेरे साथ, इधर आ रूटे से, इधर आओ रूटे से, आओ आजा मेरे भाई, कम ऑन ब्रो। फाइनली 7 गाइस देख लो क्या हो रखा है यहाँ पे। एक समय यहाँ पे रोड हुआ करती थी, जितना आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे पहले बहुत बढ़िया सी प्यारी सी 24 मीटर की रोड हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद हमारे काबिल कर्मचारियों को याद आता है अबे पाइप तो डालने भूल गए, उसके बाद वो खोद देते हैं, उसके बाद उनको फिर याद आता है अबे पाइप डाल, पाइप तो डाल दिया रोड डालने भूल गए, तो यहाँ पे ऐसे हाल होता है। बाय द वे मैं जा रहता हूँ MDA, वहाँ की स्पेशलिटी है जितना पोर्श एरिया होता है उतनी घटिया सड़क होती है वहाँ की, तो अगर आप मेरे घर आते हुए घटिया सड़क दिखने लग जाए तो समझ जाना कि वो एरिया काफी पॉश है। कोई सेंस है इस बात का? आ गया आ गया आ गया आ गया, ये पागल आ गया। गाइस वेलकम टू मुरादाबाद। तो घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई, लोग ये देखो पूरे MDA को खोद रखा है इन्होंने, अपनी मन मर्जी से जहां भी मन कर रहा है गड्ढा कर रहे हैं। वुमन उधर देख, ओह माय गॉड, तो कैसे इस कार से चल रहा उधर चल के रहा है ब्रो, ये मॉरिस गैराज की भी फट रही है वहां पे जाने से। ये देखो गाइस नेचर स्विमिंग पूल, टन टन उसकी कितनी आग हो रही है, साले कहां जाएगा आगे आगे वालों की जाने में फट रही है। हां जल्दी बहुत है। अभी पता है मेरे साथ क्या हुआ भाई, मेरे घर के आगे वो तो वो हो रखा है, उसमें ना पानी भर रखा है बीच में, मैं आया, मैं जब तू खड़ा था मैं आया, मैं देखा उसमें ना मुझे लगा मछलियां तैर रही हैं, अबे मैं खुश हो गया, मैंने कहा भाई यहाँ पे तो एक्वेटिक लाइफ आ गई भाई, जो वो बाहर निकला वो सांप, मैं भाग गया भाई अपने घर में, मैंने कहा इसको भगाओ पहले। वालो तुम ये लद्दाख वालो, ये देखो मुरादाबाद में भी नहर है, लड़की नहीं थी वो बालिका वधु में जो मासा मासा करके रोती रहती थी, जिसकी भोई मिली हुई थी वो, अब वो बड़ी हो गई है तब वो मूवीज कर रही है, तो 1920 देखने चल रहा भाई, क्यों फटती तेरी हॉरर मूवी से, वो तो सुसाइड कर ली थी ना उसने, अबे तभी तो मूवी आ रही है, अब वो नहीं थी भाई, तीन तीन जनों ने प्ले करा आनंदी का रोल, अच्छा एक अविका गौर, एक प्रत्युषा बनर्जी और तीसरी का नाम नहीं पता मुझे, अबे एक ने तो कर ली थी भाई, तेरे नॉलेज देख रहे हो मेरी। तो गाइस बप बप पहुंच गए हम बाल कटवाने, और अब मुझे पता नहीं बाद में मेरा मूड कैसा होगा, तो इस समय तो बढ़िया है, 5 मिनट बाकी बाद में देखेंगे, मैंने अच्छे काटे तो बढ़िया होगा, नहीं होगा तो पैसे नहीं देना, 5 मिनट के रास्ते के लिए आधा घंटा घूमते हुए, वही तो बारिश इतनी हो रही है, खैर बारिश की गलती क्या है, बारिश तो होती रहती है, वो तो गड्ढे भरवाते नहीं है साले नगर पालिका वालों को बुलवा के। तो यार फाइनली मैं बैठा, लेकिन हमेशा की तरह इस भाई को मेरे बाल काटने से ज्यादा इंटरेस्ट मूवी में था। यूट्यूब चलाते हो आप? यूट्यूब चलाते हो? सही है, अभी फोन देना,
फोन देना अभी को दिखाऊंगा आपको। अरे सुन तो मैं क्या कह रहा हूँ, बाल तो अच्छे कराने का शक्ल क्या करेगा। बाय द टाइम मैं स्टेज तक पहुंचा था मुझे रिग्रेट होने शुरू हो गया था कि भाई काम खराब हो चुका है। और बताइए रसगुल्ले, बताइए भाई मुजम्मिल, 48 रसगुल्ले खाए मैंने, 48 करे दही और जलेबी खा ली तो या मैं तो 1 किलो जलेबी खाई है और आधा सा किलो दही मैं करे करा था उसको मेरे घुटने बेकार हो जाओ। कटवाने छोड़ दिया तो कटवाने नहीं छोड़े अभी भाई, उधर मैं यार सब्सक्राइब करवाना तो भूल ही गया उसे चैनल। लास्ट टाइम जब मैं आया था तब सारा था ही नहीं है। अब भाई एक बात बताओ, कारीगर नहीं है दुकान पे, ये तो बाल बहुत बड़े हो रहे थे चली कटोरी भाई। देख दाढ़ी कटवा के तो सही लगता हूँ लेकिन बाल थोड़े खराब हो गए। कभी कभी मैं सोचता हूँ मैम ना आपसे ऐसा क्यों करता हूँ अपने बालों के साथ, लेकिन फिर मैं सोचता करेंगे बर्बादी की हद तक करेंगे और फिर भी करेंगे इसके लिए। थैंक यू, बर्बादी की हद तक करेंगे। तो भाई देखो बात कुछ ऐसी है कि ब्लेंडर हो चुका है, मुझे मेरे बाल बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे, लेकिन कोई बात नहीं, कभी कभी चलता है, कभी कभी क्या मेरे साथ हमेशा ये चलता है, मैं करने के बाद रिग्रेट करता हूँ कि मैंने ये क्या करवा लिया। एनीवे आपको ये व्लॉग कैसा लगा मुझे बताना।